Step away from the gate. Not a base. You boys have been relieved. Thank you for your service. And who the fuck do you think you are, cabrón? My men are inside! Your men have been detained. लास्ट वाले एपिसोड के अंदर गाइस हम लोगों ने फाइनली अमेरिका के मिसाइल्स को ढूंढ लिया था। वो पानी के बीच में एक ऑयल रिग के ऊपर थे, वहां पर हमने टास्क फोर्स 141 ने एंड शैडो ग्रुप ने अटैक किया एंड हम लोगों ने उनको वहीं पर डिस्ट्रॉय करा दिया। उसके पीछे का रीजन ये था ना कि वो जो मिसाइल्स हैं वो बूस्ट मोड में जा चुके थे, मतलब अब उन्हें रोकना नियर टू इम्पॉसिबल था, इसलिए हम लोगों ने उन्हें वहीं पर पानी के अंदर डिस्ट्रॉय करा दिया था। फिर जब हम लोग उन मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करके वापसी अलजेंड्रो की बेस पर आए जहाँ पर शैडो ग्रुप एंड टास्क फोर्स 141 दोनों थी, तो वहां पर फिलिप रिव्स ने हमें अंदर जाने से रोक दिया एंड उसने हमें कहा कि तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। अलजेंड्रो काफी ज्यादा हैरान हुआ कॉज वो उसकी बेस थी। तब हमें पता चला कि जो कैप्टन शेफर्ड है, मतलब जो जनरल शेफर्ड है एंड फिलिप रिव्स जो है जो शैडो ग्रुप का लीडर है, वो दोनों आपस में मिले हुए थे। अभी तक हम लोगों ने जितने भी काम किए गाइस, जितने भी मिसाइल्स को ढूंढा, जितने भी लोगों को पकड़ा, उन सब की मेहनत, मतलब वो सब हमारे साथ जो भी हुआ है, इट वॉज नथिंग बट अ बेट्रियल। मतलब हम लोगों ने उनके साथ जितनी भी मदद की वो सिर्फ हमारे साथ एक धोखा हुआ है। हम लोगों ने उनकी मदद की देन एंड में आके उन लोगों ने हमें ही कटा दिया कॉज उनको उनके मिसाइल्स मिल चुके थे। उन लोगों ने हमें कटा दिया, अलजेंड्रो की बेस में सारे के सारे लोगों को मार दिया। ये बात सुनने के बाद अलजेंड्रो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ, उसने फ्लिप गेयर से लड़ाई की, बट ऑब्वियसली फ्लिप गेयर के साथ ज़्यादा लोग थे एंड मैं सोप घोष एंड अलजेंड्रो सिर्फ हम तीन लोग थे। उन लोगों ने अलजेंड्रो को वहीं पर पकड़ लिया है, घोष भी उन काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ लग दी एंड घोष का पता नहीं कहाँ गया एंड सोप जो है उनसे लड़ते लड़ते वहाँ से पता नहीं किसी सिटी के अंदर आकर फंस चुका है। ऑलराइट एवरीवन, तो आप लोग देख सकते हैं ये ही वो सिटी है जहाँ पर सोप सिर्फ अकेले आके ट्रैप हो चुका है, क्योंकि अभी हम तीनों के सिग्नल आपस में कट चुके हैं। अलजेंड्रो का हमें नहीं पता क्या हुआ है कॉज उन लोगों ने उसको पकड़ लिया था, घोस्ट वहाँ से पता नहीं कहाँ भाग गया एंड सोप जो है वो यहाँ पर आके फंस चुका है। आई होप कि हम लोग यहाँ से जिंदा बच जाए ताकि हम लोग फिर बात कैप्टन प्राइस को बताएं, कॉज इस मामले में कैप्टन प्राइस एकदम आउट था, उसका काम इसके बीच में नहीं था, सिर्फ हम लोग ही शैडो ग्रुप की मदद कर रहे थे एंड हम लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमें कितनी ज्यादा गोलियां लग चुकी हैं। अभी ये आपस में बातचीत करेंगे थोड़ी बहुत। भाई अभी हम लोग ये रेडियो सिग्नल बदल बदल के बात करने की कोशिश कर रहा है, ये देखो ये अपने सारे के सारे कोड्स लगा के घोस्ट को बुलाने की कोशिश कर रहा है कॉज ये अकेले कुछ भी नहीं है, इसको काफी ज्यादा गोलियां लग चुकी हैं एंड हमें भाई यहाँ से अभी निकलना होगा। आप लोग इसके हाथ पर देख सकते हैं कितना ज्यादा खून लगा हुआ है। भाई साहब अभी मुझे नहीं पता हम लोग यहाँ से कैसे चलेंगे एंड मुझे नहीं पता था कि शैडो ग्रुप वाले इतने वो हैं कि मतलब उन लोगों के सोप को ढूंढने के लिए इस पूरे के पूरे टाउन को सीज कर दिया है। यहाँ पे सारे लोगों को वो लोग मारते जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। घोस्ट का मैसेज आया, घोस्ट का मैसेज आया, अभी इसे रेडियो सिग्नल एक्टिव करना पड़ेगा अपना। इसका घोस्ट की आवाज़ आ रही है, घोस्ट की आवाज़ आ रही है। सॉलिड अलोन लास्ट अलमास मैक्सिको के अंदर है अभी हम लोग। भाई ये देखो गाइस, ये सारे शैडो कमांडर्स आपस में बात कर रहे हैं कॉज वो इस पूरे टाउन के अंदर सिर्फ सोप को ढूंढने के अंदर लगे हुए हैं। भाई यू इंजर्ड, व्हाट्स द डिफरेंस, व्हाट्स द डिफरेंस। ये रहे यहीं पे हैं सारे के सारे। वेयर आर यू? एक मिनट, सामने से वो सारे आ रहे हैं, वो सामने से आ रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँ भाई, वो उनकी गाड़ी है, लोग मुझे मार देंगे। ये लोग यहीं से उतरे। मैं रोशनी के अंदर, मुझे यहाँ पे कहाँ जाऊँ मैं? ओके, यहाँ से कोई भी नहीं है, मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। अभी क्या सीन है गाइस, क्योंकि हसन ज़ियानी का भी हमें कुछ भी नहीं पता चला है एंड अभी हम लोग उससे भी, मतलब उसको अभी हम लोग बाद में निपटेंगे बिकॉज हसन से बड़ा जो हमारा दुश्मन निकला वो ऑब्वियसली जनरल शेफर्ड निकला एंड फिलिप ग्रेव्स निकला। इन दोनों का तो बुरा हाल करेंगे जब हमें मिलेंगे कैप्टन शेफर्ड, मतलब जनरल प्राइस से जब हम लोग मिलेंगे कैप्टन प्राइस से, तब इनको सही से देखेंगे। अभी हम लोग को यहाँ पे चीज़ें ढूंढनी होंगी। ये क्या है, एक रस्सी मिल चुकी है हमें, सही है। अभी हमें यहाँ पे एक रस्सी मिल चुकी है और ये क्या जगह है इसको भी मैं खोल के देखता हूँ, इसके अंदर क्या चीज़ है। अच्छा यहाँ पे एक टूटा हुआ ब्लेड मिला है हमें, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगा हमारा, ब्रोकन ऑफ द फैन ब्लेड।
सही है, अभी हमें एक पंखे का ब्लेड भी मिल चुका है। Years of practice, भाई घोस्ट हमें पूरा पूरा गाइड करता जा रहा है। अभी ये मेरे पास जो गाइस कटर है, इसमें मैं इसको रस्सी पे लपेटूंगा एंड उसकी मदद से शायद से मैं इस लॉक को खोलने की कोशिश करूंगा। लेट्स गो, मैं इसको यहाँ पर रखाता हूँ। और भाई साहब क्या, ओ डैम भाई क्या जाने लोगों की, हम लोग इसको तोड़ के अंदर आ चुके हैं एंड अभी हम लोग को यहाँ पर चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता चेक करना होगा। मुझे नहीं पता अभी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये और मेटल की पीस हमें मिले हैं यहाँ पे, बाकी ये घर है। भाई ये लोग बाहर गोलियाँ उंगलियाँ चला रहे हैं, ये लोग हम लोग को ढूंढने के लिए पागल हुए हैं। मुझे ना यहाँ से उठ के अंदर बाहर की तरफ निकलना चाहिए यार। ये रख ग्रेव्स, गाइस फिलिप ग्रेव्स भी है, ग्रेव्स नाम है इसका, ग्रेव्स नाम है मुझे नहीं पता, ग्रेव्स नाम है वो, राइट वो रहा। भाई इन लोगों ने पुलिस को मतलब कार्टल मेंबर्स को सबके सबको हमारे पीछे लगा दिया सिर्फ सोप को पकड़ने के लिए, क्योंकि इन्हें पता है अगर हम लोग एक बार कैप्टन प्राइस से मिल गए ना, मैं सोप घोस्ट एंड अलजेंद्रो, तो इन लोग का बचना इम्पॉसिबल हो जाएगा, इम्पॉसिबल। अभी हम लोग यहाँ पे और आगे चल के देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये तो एक हेड लैम्प है, हम लोग ये सर पे पहनते हैं। सही है, अभी हमें यहाँ से एक हेडलैम्प मिल चुकी है, मुझे उस साइड की तरफ चलना चाहिए। मतलब ये देखो आप लोग, इससे सही रोशनी हो जाएगी जिन राहों पे रोशनी नहीं थी। ये वाला डोर खुलेगा, इसको मैं खोल के देखता हूँ अंदर क्या है। ओके इट्स अ नॉर्मल वॉशरूम। यहाँ से मैं आगे की तरफ चलता रहता हूँ भाई, यहाँ पे ना ये लोग आहिस्ता आहिस्ता आते जा रहे हैं। शिट, यहाँ पे इन लोगों ने एक बॉल बैल लगाई थी मैं कह रहा हूँ, एंड ये भाई यहाँ पर आ चुके हैं। मुझे हेडलैम्प ऑफ कर दिए मैंने, बिकॉज उनका कोई बंदा यहाँ पे चेक करने आएगा। इन लोगों ने ना हर तरफ पूरे के पूरे टाउन में ट्रैप बिछा दिए हैं, ताकि हम लोग कहीं से भी गुजरे ना तो फिर ये लोग हम लोग को पकड़ लें। एक बार तो मैं ट्रैप के अंदर इनके फंस चुका, बट नेक्स्ट टाइम मैं फुल अटेंशन के साथ खेलूंगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई आने वाला है, मेरे मुताबिक मुझे नहीं चाहिए। जो एक केज डॉग था, मतलब जैसे ही वहाँ पे बैल बजी ना, डॉग ने भौंकना शुरू कर दिया। मुझे यहाँ से कूदूं, ओ भाई काफ़ी ज़्यादा जोर से लग चुकी है मुझे। भाई कोई आया तो नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रुकना नहीं है गाइस, मुझे आगे बढ़ता रहना है। ये क्या जगह है, ये बंद कर दिया भाई, इन लोगों ने हर चीज़ें बंद करते जा रहे हैं। पता नहीं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक बाइंडिंग मिली है जो कि मेरे काफ़ी ज़्यादा काम आएगी, बिकॉज मुझे हर तरफ गोलियाँ गोलियाँ लगी हुई हैं यार। मेरी काफ़ी मदद होगी इस बाइंडिंग की मदद से। भाई साहब ये मुझे लग रहा है ना गाइस एम्स्टरडैम ही है, मतलब जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी टाइम पहले एक बंदे को पकड़ा था, जिससे हम लोग हसन ज़ियानी के बारे में पूछ रहे थे। ये देखो गाइस, ये वही शैडो ग्रुप है जिससे कुछ दिन पहले हम लोग के साथ टीम की तरह काम कर रहा था, आज ये हमें ढूंढने के लिए पूरे के पूरे एम्स्टरडैम के लोगों को मारने। भाई ये लोग ना बहुत वायलेंस कर रहे हैं, मेरा ना दिमाग ख़राब हो रहा है गाइस। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लेड कटर है, जिसकी मदद से मुझे अभी पूरे टाउन के अंदर सर्वाइव करना है। मैं भाई यहाँ पे ना वेपन्स यूज़ नहीं करूँगा। यहाँ पे कांच की बोतल पड़ी जो मैंने उठा लिए, भाई ये मुझे देख डाले, मैं इसको वहाँ फेंक देता हूँ ताकि थोड़ी बहुत ये डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाए। ये बंदा वहाँ पे जाएगा, इसके पीछे से मैं किसी शॉप के अंदर या कोई भी जगह मुझे मिलेगी वहाँ मैं चला जाऊँगा। ऑल राइट मुझे यहाँ पे ये एक कॉफ़ी शॉप तो नहीं, एक नॉर्मल जनरल स्टोर मिला है, जहाँ से मुझे एक वैक्स मिल चुकी है। इस वाली बॉटल को मैं वहाँ आगे की तरफ फेंकता हूँ ताकि थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाए। लेट्स गो, ये बंदा वहाँ पर जाएगा, पीछे मत पलट जाना वरना मैं मर जाऊँगा। इसको आगे जाने दो एंड हम लोग इस कपड़ों की शॉप के अंदर घुस जाएंगे या तो, या फिर ये आगे वाली शॉप है ना, इसमें काफ़ी सारा सामान लग रहा है मुझे। भाई वैसे वो पागल बंदा है क्या, दीवार को जाके छान रहा है, अजीब, मतलब जहन वहन तो रखता ही नहीं है लोग। चलो खैर है, यहाँ से मुझे एक बॉटल मिली है एंड केमिकल्स मिले। ये कौन बंदा है सामने, भाई यहाँ से कोई अंदर ना देख ले, ये खिड़की खुली हुई है, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। एक मिनट, एक नाइफ मिल चुकी है मुझे जो कि काफ़ी सही चीज़ है। लेट्स गो, अभी क्या सीन है ना कि घोस्ट भी यहीं पर आ चुका है एंड मैं इसको जल्दी से चल के निपटा देता हूँ। लेट्स गो, मैंने उसको एकदम छुरी घुसा दी है। गाइस घोस्ट ना यहीं पे है एंड घोस्ट ने मुझे कहा है कि तुम चर्च तक आओ, बिकॉज घोस्ट भी चर्च तक जा रहा है, मुझे चर्च यहाँ पे ढूंढना होगा। एक वेपन मुझे मिल चुका है, बट मैं आप लोग को ये बता रहा था कि जो घोस्ट है ना वो भी यहाँ पर आ चुका है एंड इस बंदे को घोस्ट नहीं मारा था एंड नाइफ हम लोग के लिए छोड़ दी थी उसने। माउस ट्रैप मिल चुका है, मुझे काफ़ी सारा अलग अलग सामान मिल रहा है। भाई बहुत सीरियस रहना है, इसको भी हम लोग खोलते हैं। इसके अंदर क्या है, एक्सप्लोसिव राउंड्स हैं, एक बाइंडिंग पड़ी है। चलो यहाँ से हम लोग निकलते हैं, काफ़ी सारा हमारे पास सामान पड़ा हुआ है। ये मेरे पास ना गाइस यहाँ पर एक स्मोक बॉम्ब पड़ा हुआ है जो कि मैंने खुद ही बनाया था, मतलब हम लोगों ने इसके अंदर ना एक वो डाल दिया था, उसको मैं यहाँ पर फेंकता हूँ एंड ये तीन थोड़े बहुत स्मोक के अंदर आ गए होंगे।
मुझे यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, मैं तो ज्यादा सेव नहीं होगा। मेरे मुताबिक मुझे इन तीनों को मार देना चाहिए। एक को मार दिया, दूसरे को मार दिया, तीसरा भी मार दिया मैंने। कम ऑन, अब मुझे इनके पास कोई वेपन वगैरह नहीं, इन लोग के पास भी पिस्टल सी थी। भाई साहब अभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल मामला चल रहा है, मुझे यहाँ से नीचे कूदना चाहिए। मैं पानी के अंदर तो आके गिरा हूँ, यहाँ से और आगे बढ़ता हूँ। गाइस मुझे हार नहीं माननी है यहाँ पे, बस मुझे चर्च तक जाना है एंड पूरा टाउन अभी मुझे चेक करना है। इसको मैं ओपन करता हूँ एंड अंदर चलते हैं हम लोग। ये क्या है, इसको खोलो। हाँ ये देखो गाइस, इन लोगों ने यहाँ पे ट्रैप बिछाया हुआ है जिसके अंदर मैं ऑब्वियसली नहीं जाने वाला हूँ। यहाँ पे भी कोई ना कोई बैल हो गई। मैं यहाँ से अंदर यहाँ पे देखते हैं ये क्या। ओ भाई, मतलब गाइस इन लोगों ने ऐसा ट्रैप बिछाया है कि अगर मैं उन रस्सियों से टकराता ना तो मैं शॉटगन से शॉट हो जाता, इसलिए मुझे ये गन मिल चुकी है। स्वीट भाई स्वीट, मुझे एक गन मिल चुकी है, काफी ज्यादा मस्त। अब बताऊंगा मैं लोगों को। चलो भाई एक गन तो मेरे पास आ गई। Let's go, मैंने सोप को साइज का इसलिए बताता जा रहा हूँ गाइस। ये भाई हम लोगों ने एक ट्रैप बिछाया था उन लोगों ने हमारे लिए, बट अब लोग उन लोग को नहीं पता कि भाई ये ट्रैप अब उनके ही काम आने, मतलब उनके अगेंस्ट इस्तेमाल होगा। बस मेरे हाथ एक बार गन आ गई ना, मैं लोग को छोड़ूंगा नहीं। मुझे यहाँ से और ज्यादा चीजें ढूंढनी है। ग्रेव्स एंड शेफर्ड आर बोथ इन्वॉल्व, जो कि हकीकत बात है, मैं इसको यही बताऊंगा। इस वाले बॉक्स को गाइस मैं खोलता हूँ इस कटर की मदद से। मतलब गाइस ये तो काबिल तरीके से तोड़ते ना गाइस। गाइस मुझे एक होलोग्राफिक स्कोप भी मिल चुका है, मतलब रेड डॉट स्कोप थी। दोनों गन्स के लिए फुली आर्मर्ड हो चुका हूँ गाइस। अभी मेरे पास एक शॉटगन है, एक पिस्टल है। गाइस तो मैं ये कह रहा था ना यार, ये जो डब्बे को खोलता है ना गाइस, तो ये नहीं कि कोई लॉक तोड़ता है, ये उसकी पूरी की पूरी वही उतार देता है। मतलब जिसकी मदद में, जिसके अंदर लॉक लगा होता है, ये पूरा उसको खोल देता है। भाई बहुत ज़्यादा जानदार है हमारा सोप एंड इसकी ट्रेनिंग भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। शेडो ग्रुप के बंदे इधर ही, मुझे लग रहा है उनसे फाइट करनी होगी। मैं देखता हूँ जो भी मेरे करीब आएगा ना भाई, इसके सबसे पहले ऐसा हेडशॉट पड़ेगा। बाहर बहुत बंदे, भाई बाहर बहुत ज़्यादा बनते हैं। मुझे ना यहाँ से और आगे बढ़ना चाहिए। अभी मैं डिस्ट्रैक्शंस के आइटम लेता जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आगे जाके क्या मॉल बनेगा। वैक्स एक और मिल चुकी है, आगे जाके ऑब्वियसली फाइट तो देखने को मिलेगी। मेरे पास एक पिस्टल है, इस पिस्टल को मैं पकड़ के ये रहा भाई, देखते मैंने उसको शॉटगन करा दी। मुझे यहाँ से भागना होगा कॉज वो लोग कभी भी इधर आएंगे। मुझे जल्दी से अपनी ना जगह बदलनी चाहिए ताकि ये लोग उस साइड को चेक करेंगे ना तो उस साइड पर ज़्यादा तो नहीं आएंगे। मैंने अपनी जगह एकदम से बदल ली है। इस वाले को गेट को खोलो, बाहर कोई है। हाँ अबे इस बाहर क्यों नहीं जा रहा। अच्छा इस वाले को, सॉरी माय बैड, इसको खोलो। यहाँ से आगे चलता हूँ, गोलियाँ चल गई, मुझे दिख गया बंदा। येरा, एक को तो निपटा दिया मैंने, और ना आ जाए दूसरा भी दिखा मुझे, मैंने उसको भी मार दिया। मुझे मेरे मुताबिक मुझे यहाँ से भागना चाहिए, फाइट लेना बेकार है। बस पूरे टाउन में इस वक्त ना अकेला हूँ। मुझे इस वाले ये देखो, ये अच्छा ये तो ऑब्वियसली खुला हुआ था, इसके अंदर मुझे काफ़ी सारा सामान वामान मिलता जा रहा है। एंड यहाँ से और इधर चलते हैं, मेरे पास एक प्रायर टूल भी है, मतलब ये वही एक कटर। एंड गाइस ये देखो, ये स्मोक बॉम्ब जो हम लोग खुद ही बनाते हैं, बॉटल के अंदर हम लोग ये डाल देते हैं एंड फिर इसको जब हम लोग जला के फेंकते तो फिर ये अच्छा ये एक्सप्लोसिव वाला है शायद से। हाँ ये वैसा ही है। तो अभी हम लोग यहाँ से और आगे तरफ चलते हैं। इसके ऊपर से मैं चढ़ गया हूँ एंड यहाँ से नीचे आता हूँ। शिट यार मैं गलत जगह हो गया गाइस, मैं खुद भी हर्ट हो गया। मैं स्मोक बॉम्ब फेंक दिया बट मैंने भाई साहब गोलियाँ उन लोगों ने मुझे मार दी हैं। भाई मुझे यहाँ से अभी थोड़ा बहुत और, वो लोग पीछे आ रहे हैं, मुझे यहाँ से कूदना होगा। मैं पानी के अंदर कूद जाता हूँ। शिट यार मैं पूरे टनल के अंदर आ चुका गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस प्लेस है भाई। इस टन नई गोलियाँ पड़ रही हैं गाइस, वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। ये सामने बंदा सामने ये रहा एक शिट, नहीं लगे, मुझे थोड़ा करीब जाना होगा, थोड़ा क्लोज रेंज करना होगा। पानी के अंदर आ चुका मैं, थोड़ा इनको क्लोज कब करूँगा मैं। क्लोज रेंज में कॉस्ट शॉटगन वर्क करेगी, दूर से मारना सिर्फ मेरा ही नुकसान है। मैं आगे कहाँ से बढ़ूँ। ये रहा मुझे रेड डॉट दिख रहा है इसका, ये रहा एक मारा लग जा, एक तो गया नहीं गाइस। इन लोग को ना शॉटगन लॉन्ग रेंज में असर नहीं कर रही शायद से। मर जा, कमान मार दिया वो जा। यार मुझे इतनी दूर शॉटगन नहीं चलानी चाहिए, मुझे पानी के अंदर रहना होगा अभी। मैं यहाँ से नीचे से निकल नहीं सकता। लेट्स गो, मैं निकल गया, पहले क्यों नहीं निकल पा रहा था। मैं इनकी क्लोज इन करूँगा या तो फिर मैं इनसे स्केप कर लूँ। ये मुझे यहाँ पे बंदा दिख गया है। मैं यार ये गोलियाँ पानी के अंदर भी मार रहे हैं, मुझे भागना होगा। पानी के ऊपर आ जाता हूँ अभी। मैं सांस ली, मैंने दोबारा अंदर हो गया। मैं मुझे यहाँ पे ये कमान क्लोज रेंज में काफ़ी सा ये शॉटगन, एक शॉट के अंदर बंदा डेड हो जाता है। बाकी यहाँ साइड में देख गिरा, कमान ओ अच्छा कैसे भाई शॉटगन कैसे सर्वाइव कर सकता है कोई। शॉटगन बहुत डेंजरस, कमान लेट्स गो। इसको भी हम लोगों ने निकाल दिया है। ऑलराइट ऑल क्लियर। अभी हम लोग को यहाँ से और आगे की तरफ बढ़ना है। ऑल क्लियर हो चुका है, यहाँ से हम लोग और आगे की तरफ चलते हैं। इस वाले दरवाजे के अंदर चलता हूँ मैं और यहाँ से सामने एक दरवाजा है। एक मिनट ये क्या है, M4।
अब आया ना गाइस असली गेम तो गाइस अब शुरू हुआ है। मेरे पास भी एक ऑटो मिसाइल मतलब ऑटो गन आ चुकी है। मैं प्राय ओपन करता हूँ गाइस इससे मतलब इस कटर की मदद से इस गेट को खोलता हूँ। अब मैं गाइस इन लोग से फाइट ले सकता हूँ लॉन्ग रेंज में। ये रहा भाई सब आ गए सभी जरिए आ जाएंगे सभी जरिए आ जाएंगे। ओके किसने मारा चर्च बुरा गाइस सामने हो रहा है चर्च जी एम्सो घोस्ट इज हियर गाइस घोस्ट है मुझे लग रहा है घोस्ट है इसके अलावा कोई हमारी इतनी मदद नहीं कर सकता। कम ऑन एक को मारा मर जा मेरे पास गोलियां काफी ज्यादा कम है सिर्फ 10 गोलियां हैं। इसको मैं मार रहा हूं यार लो एमो उठना पड़ेगा मेरे गोलियां मिल जाए मुझे अच्छा मुझे गोलियां थोड़ी बहुत तो मिल चुकी है मैंने गन रिलोड कर दी बाइंडिंग्स मैंने उठा लिए। ये क्या फेंका भाई क्या फेंक रहे नेट फेंक रहे हैं ये लोग नेट पीछे की तरफ है मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है। स्मोक बॉम्ब में फेंकूँ या फिर लोग से फाइट लड़ूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ मैं यहाँ से और इस वाली गाड़ी के अंदर कवर लेता हूँ मुझे नहीं पता इस वक्त घोस्ट कहाँ पर है गाइस। मैं यहाँ पे एक स्मोक बॉम्ब फेंकता हूँ अब भागता हूँ मैं यहाँ से भागता हूँ सीधा सामने की तरफ कवर लूँगा। प्लीज गोलियाँ ना लगे या शिट गोलियाँ लग रही मैं बता दूंगा भाई मैं एक बार तुम लोग को मेरा भी टाइम आएगा बेटा एक बार मेरी टीम बन तो पूरे शैडो ग्रुप को आग लगा दूंगा मैं तुम लोग की पूरी बेस उड़ा जाऊँगा नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर। अभी मुझे रीच द चर्च एंट्रेंस अच्छा चर्च की एंट्रेंस तक जाना है मुझे वहीं पर शायद से घोस्ट मेरा वेट कर रहा होगा भाई मुझे वहां तक जाना होगा। यार काफ़ी ज़्यादा डेंजरस एपिसोड चल रहा है गाइस ये वाला इसके अंदर क्या हम लोग को सर्वाइव करना है हर हाल के अंदर। भाई साहब चर्च की एंट्रेंस तो ये घोस्ट कहाँ पर है घोस्ट आई एम स्टिल वेटिंग ब्रो कहाँ है भाई ये क्या है रीच एस्केप व्हीकल एक मिनट व्हीकल का यार ये क्या हिसाब है मतलब पहले क्या साहब अच्छा घोस्ट ये रहा मुझे घोस्ट के साथ अब भागना है शायद से। भाई गोलियां चल रही हैं मेरे पास डबल गन है गाइस मैं ऑटो गन निकाल लेता हूँ जिससे भी फाइट लेनी होगी गाइस मैं ले लूँगा। घोस्ट के साथ मुझे आगे बढ़ के फाइट लेनी है। कमॉन सामने से बंदे आएंगे घोस्ट उनको निपटा देगा। ये दिखा ये रहा मार दिया इन सबको मैं निपटा दूंगा आराम से मुझे ना इस वाले दरवाजे के अंदर से मैं चलता हूँ यहाँ से मैं देखता भी रहूँगा अंदर कोई सप्लाईज वगैरह मिल जाएंगी तो वो भी उठा लूँगा मैं बाकी अगर कोई बंदे दिखेंगे उन्हें भी मार दूंगा। ये देखो बाइंडिंग्स मिल गई ये सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ चल रहा है आजकल इसको निपटा दिया शॉट गन का वन शॉट दो सारे खत्म हो जाते हैं। ये रहा कमॉन डेड रिलोड मैंने यहाँ पे फेंक दिया मेरे पास वो पड़ा था मैंने गाइस मॉली वो फेंक दिया यहाँ से आगे की तरफ ये निपटा दिया। ओ सॉरी भाई मैंने घोस्ट को मार दी शॉटगन भाई क्या हिसाब चल रहा है मुझे भागना होगा सही है मुझे ट्रक गाड़ी चलानी होगी शायद से या फिर मुझे मतलब गाड़ी के अंदर बैठना होगा। अच्छा मैं पीछे बैठूंगा मुझे यहाँ से अच्छा मुझे गाड़ी के इस वाले डोर से अंदर बैठना है। ये कौन है गाइस अंदर अच्छा कोई मरा हुआ बंदा था हम लोगों ने उसको निकाल दिया है। भाई साहब गोलियां चल रही हैं कमॉन अभी हमें इसको रिलोड करना होगा इन दो बंदों को तो हमने निपटा दिया गाड़ी से। भाई ओह भाई इनको तो आराम से निपटा रहे हैं गाइस अब हम लोग को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि घोस्ट और जो सोप हैं दोबारा से रीयूनाइट हो चुके हैं। अब हम लोग को जाना है अल्जेंड्रो के लिए और कैप्टन प्राइस के लिए। लेट्स गो भाई नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर सही धमाल मचेगा गाइस फुल तबाही मचा देंगे हम लोग बिकॉज अभी हम लोग को अपनी टीम से ये रीयूनाइट होना है फिर ग्रेव्स का एंड करेंगे फिर शेफर्ड का एंड करेंगे ये हम लोग के सारे मेन मोटिव्स हैं। अल्जेंड्रो के सेफ हाउस में हम लोग आ चुके हैं एंड ये पता नहीं कितने खतरनाक जगह है जहाँ पर अल्जेंड्रो रुका हुआ था हम लोग को ना थोड़ी बहुत बातचीत देखनी होगी एंड यहाँ पे हम लोग चल के देखते हैं अभी क्या हिसाब है। भाई साहब ये अल्जेंड्रो की जगह है मुझे लग रहा है गाइस ये लोग यहाँ पर भी आ चुके हैं ग्रेव्स वगैरह। अल्जेंड्रो स्मार्ट बास्टर्ड अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं घोस्ट सब फुल रेडी हो चुका है ये कौन है एक रेड ये ओ भाई सब क्लास कोप था रुडोल्फो रुडो ओ कमॉन रुडोल्फो यार ये तो अल्जेंड्रो के साथ होता था। ओ भाई साहब रुडोल्फो इज यार गाइस रुडोल्फो इक्वार अमिगो नाइस थ्रो भाई बहुत खतरनाक फेंक दी यार घोस्ट ने आई वाज ऑन द रन घोस्ट वेटेड फॉर मी ऑफ कोर्स नो यस गाइस अभी हम लोग को बिल्कुल इन लोग का जो प्लान है ना गाइस अभी हम लोग को वो सुनना होगा नो मोर वॉच नो नीड हेल्प टू फिक्स इट सही है नो वन फाइट्स अलोन व्हाई डिड ग्रेव्स टर्न वी डोंट नो भाई ये भी ये पूछने में लगा हुआ है कि लास अलमास से मतलब ऐसा क्यों हुआ और ग्रेव्स और जनरल शेफर्ड ने हम लोग के साथ क्या धोखा किया है इज कंसीडर्ड अ हॉस्टाइल सही है वन एक्सेप्शन अलेहांड्रो लीड हिम बैक कम गाइस अभी मुझे लग रहा है हम लोग इसका प्रेजेंस सेव कराएंगे His own personal black site prison. Say My team is locked in there too. How do we get him back? By breaking in.
that's why I love the ghost. It's got okay, guys, let's go. And ये भी हम लोगों ने खोल दिया है. ओह भाई साहब अंदर वेपन्स के देख सकते हैं गाइस आप लोग. अब आने वाला है गाइस मजा, बिकॉज नेक्स्ट वाला एपिसोड के अंदर गाइस हम लोग के पास ये खतरनाक एक गाड़ी है, काफी सारे वेपन्स हैं, घोस्ट है, सोप है एंड रोडोल्फो है, एंड हम लोग नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर प्रिजन एस्केप कराने वाले हैं अलेजांद्रो का, एंड हम लोग पूरे के पूरे लॉस अल्मास पे अटैक करेंगे जो कि मैक्सिको के अंदर है. But expect helos for security and resupply. सही है गाइस, सब कुछ मुझे समझ में आ चुका है. हम लोग ने नेक्स्ट वाले एपिसोड के अंदर अलेजांद्रो को बचाना है. आई होप कि आप लोग को आज का इस वाला एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दो भाई, हर तरफ गोलियां पड़ी है, पूरा प्लान रेडी हो चुका है रोडोल्फो के साथ. आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो, वीडियो लगे तो डिसलाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. हम 3 से 4 बंदे पहले जाएंगे अलेजांद्रो को बचाएंगे, फिर हम लोग प्राइस से मिलेंगे. आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, बुरी लगी तो डिसलाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, फ्री एकदम आप लोग मुझे कभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. आई स्टे ट्यून गाइस फॉर नेक्स्ट एपिसोड. और आज के सिर्फ इतना ही. आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. प्रिजन ब्रेक इज जस्ट स्टार्टिंग. आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय. आई हैव अ ड्रीम, दैट्स ऑल आई नीड. आई विल मेक इट हैपन विद सम वर्क एंड बिलीफ. नो व्हाट आई वांट, सो आई विल टेक इट ऑन. आई मेड मिस्टेक्स, बट मिस्टेक्स मेक यू स्ट्रांग. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.